इस विशाल बृहत आयोजन के यजमान महामंडलेश्वर मंत्री जी, श्रीमंत महंत ज्ञान शिव सिंह जी महाराज, सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं आचार्य रविचंद्र दास जी महाराज, मंत्रपाल विराजमान ज्योतिष धर्मेश्वर चरण गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम राजेश्वराचार्य जी, जगत गुरु सतपंथाचार्य ज्ञानेश्वर दास जी महाराज, अयोध्या से आए हुए श्रीमंत कमल नयन दास जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री राधे राधे बाबा, और मंच पर हम सबके लिए दर्शन के स्रोत है ऐसे सभी श्रेष्ठ उच्च संत प्रवर के सबके चरणों में भाव की कृपा पूर्वक प्रणाम करता हूँ। कुंभकी परंपरा में 12 वर्षों का अंतराल रहता है, लेकिन मैं चाहूंगा कहूंगा कि सामाजिक विषयों पर कुंभ यह प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं होते रहे, इसके लिए 12 वर्ष रुकने की आवश्यकता है। सामाजिक प्रश्न हम सबके सामने बहुत अपना हम जानते हैं, संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, विश्व को मार्गदर्शन करने की क्षमता रखने वाला मूलभूत चिंतन अपने पास है, और इसलिए जब कोई कहता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा तो ये स्वप्न नहीं है, ये संकल्प है। स्वप्न देखते हैं, जागरूक के आने के बाद स्वप्न समाप्त हो गया, कभी कभी स्वप्न में क्या देखा ये भी हम नहीं करते, और इसलिए ये भारत विश्व गुरु ये स्वप्न है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि समय समय पर भारत ने अपनी शक्ति सारे विश्व को दिखाई, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई, परंतु काल प्रभाव में कुछ गलतियां कुछ दोष आई जाती हैं। भारत का शक्तिशाली बनना सामर्थ्य संपन्न बनना हम विश्व को आश्वस्त करते आए हैं कि भारत की शक्ति कभी भी हिंसक नहीं बनती, कि संरक्षक रही है, हमें हिंसाचार की शक्ति बढ़ाने की बात नहीं है, हमारी परंपरा में है, इसी को प्रतारित करना ये अपनी परंपरा में नहीं है, इसी हमारी शक्ति हमेशा आश्वासक रही है, संरक्षक रही है, न कि किसी को डरने का कोई कारण नहीं। इसलिए भारत शक्तिशाली बनेगा तो दुनिया का क्या होगा, दुनिया का भला ही होगा। ये हम सबको गर्व है कि ऐसे देश के रहने वाले हम सब आज दो प्रश्न हम सबके सामने हैं, आज भारत एक संघ बनने की आवश्यकता है, आज भारत टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, मराठी है, कन्नड़ है, गुजराती है, राजस्थानी है,
बंगाली है, ये सब विषमता, ये सब जो भेद है, भाषाएं अलग अलग हो सकती है पर भाषाओं के आधार पर देश टुकड़ों में कैसे बढ़ सकता है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी तो संविधान का निर्माण किया और संविधान को प्रस्तुत करते समय उसके उसका जो प्रथम वाक्य है वो वाक्य है हम भारत के लोग। अब ये हम भारत के लोग ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान के मरुस्थल से लेकर मणिपुर की पहाड़ियों तक, ये सारा एक देश है। आज इन कारणों से ये संकुचितता प्रभावी हुई, बढ़ गई और इस संकुचितता के कारण देश एक संघ नहीं है, इसको एक संघ बनने की आवश्यकता है और इसको जोड़ने वाला एक ही शब्द है, वो है भारत माता की जय। जब हम भारत को भारत माता कहते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के भाई हम सहोदर हो जाते हैं। झगड़ा किस बात का है, अलगता किस बात को लेकर है, कपड़े पहना, खान पान, भाषा, ये कोई संघर्ष का कारण बन सकता है? तो बनना नहीं चाहिए। भारत की भाषाएं भिन्न है, हम सब जानते हैं कि भाषा भिन्न होने के बाद भी भाव हम सबका एक, और ये एक भाव, इसलिए यहां पर प्राचीन काल से द्वादश ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है, भिन्न भिन्न प्रकार के मठ आश्रम है, ये देश के कोने कोने में फैले हुए हैं और कोने कोने में उसके अनुयायी है। अगर एक ही इस परंपरा को लेकर चलने वाले लोग अलग कैसे हो सकते हैं, और इसलिए भारत को एक संघ बनना ये विश्व गुरु बनने की एक प्राथमिक शर्त है। दूसरा एक समस्या है जिसके लिए ये आयोजन हुआ है, जैसा मैंने कहा कि देश एक संघ हो और समाज एक रस हो। हमें हम विचार करें एक रसता में बाधाएं क्यों बनती है? जब हमने गलत सोच को विकसित किया, हम भगवान कृष्ण के भी उस संदेशों को भूल गए जो उन्होंने भगवद गीता में कहा। अरे संतों ने जिस वाणी से अपने आप हम सबको प्रभावित किया उन वाणी को भी हम भूल गए। दुर्भाग्य अपना देश का रहा, अपने समाज का रहा कि हमने व्यक्ति का आकलन जन्म के आधार पर करना प्रारंभ किया। इस जाति में जन्म होता है तो वो श्रेष्ठ है, इस जाति में जन्म होता है तो वो कनिष्ठ है, ये सवर्ण है, ये अवर्ण है, ये श्रेष्ठ है, ये कनिष्ठ है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सारा भेद। मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न प्रसिद्ध होता है कि किसी को भी जन्म लेने का, कहां पर जन्म लेने का अधिकार किसको है? हम बस इसको भी नहीं, हम तो भगवान ईश्वर जहां पर भेजता है वहां पर हम जन्म लेते हैं। जन्म कहीं पर लेना हमारे हाथ में नहीं, वो जन्म जो मिला उसके आधार पर भेदभाव करने का पाप ये समाज क्यों करता है, ये हम सबके लिए चिंता का विषय। वास्तव में जातियां तो बहुत है, अध्ययन करने वालों ने कहा कि 6,000 जाति उपजाति भारत के अंदर है, 6,000। और वर्णन करते समय बहुत अच्छा वर्णन किया, मतलब वेदना देने वाला है पर सही वर्णन है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा कि हिंदू समाज एक बहुमंजिला भवन है, बहुमंजिला भवन, इस भवन के 6,000 मंजिले हैं। आगे वो कहते हैं कि जिसने इस भवन को बनाया उसको उस समय आवश्यकता नहीं लगी
एक गलती रह गई, वो गलती क्या है? तो इसमें सीढ़ियां नहीं है, जो जिस मंजिल पर है वहीं पर रहेगा, ना अपने श्रेष्ठ कार्य से ऊपर जाएगा न गलत कर्म। और इसलिए यह जन्म के आधार पर व्यक्ति का स्थान तय होना, थोड़ा अगर हम सोचे तो जाति ने हमको क्या दिया? हम जो नाम धारण करते हैं वो तो किसी जाति का नहीं, हम भाषा बोलते हैं किसी जाति की नहीं, हम कीर्ति यात्रा करते हैं किसी जाति के भीतर क्षेत्र नहीं, हम अपने घरों में ग्रंथ पढ़ते हैं किसी जाति के ग्रंथ नहीं, हम व्रत करते हैं किसी जाति के नहीं, हम कठिन से कठिन यात्राएं करते हैं जाति के नहीं। हमारे महापुरुषों के गिनती करेंगे कौन जाति का विचार करता है, कौन भाषा का विचार करता है, महापुरुष महापुरुष है। और इसलिए आज सोचने की आवश्यकता है, हमारा नाम, हमारी भाषा, हमारे भगवान, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे तीर्थ क्षेत्र, हमारे महापुरुष जिसके कारण हमको मिले, उसको जोड़ने वाला एक ही स्रोत है, एक ही आया है, एक ही स्थान से आया है, और वो है हम हिंदू है, इसलिए ये हम सबको मिला है। तो छोड़े हम सब कुछ तब भूल जाए ऐसी सब कुछ तब विकृतियां आई है, विकृतियां मिटाने का संकल्प करें और एक दूसरे को अपना भाई मान कर चले। कुछ वर्ष पूर्वी में धर्माचार्य संसद हुई, उसमें धर्माचार्यों ने एक प्रस्ताव पारित किया, उसमें उन्होंने चार बातें कही कि हिंदू वहां सोधना सर्वे, जो भी हिंदू है वो एक ही उदर से आए हुए है, इसलिए हम सब भाई बहन है, तो हिंदू है। आगे कहा गया एक ही सहोदर है, भाई है, और इसलिए आगे कहा गया न हिंदू पति तो भवे, कोई भी हिंदू पति नहीं है, किसी बात कही समाज हम सब बनने चाहिए। और चौथी बात कही थी मम मंत्र समानता, इस चार बातों को अगर सारा समाज लेकर चलेगा तो सारी दुविधाएं समाप्त होगी, सारे संघर्ष समाप्त होंगे, सारी दूरियां समाप्त होगी, और ये देश एक संघ बनेगा और समाज एक रस बनेगा। मैं मान के चलता हूँ कि ये आयोजन हम सबको ये संदेश देने के लिए है, इतने महापुरुषों के हम प्रवचन सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर मिलने वाले संदेशों को हृदय के अंदर धारण करके हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि शीघ्र ही भारत एक संघ बनेगा, हिंदू समाज एक रस बनेगा, ऐसा एक संघ भारत और एक रस हिंदू समाज ये विश्व के कल्याण के लिए आवश्यक है। इसमें हम सबको अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यानी व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक जीवन में इसको आचरण में लाने का संकल्प लेना चाहिए। इसी निवेदन के साथ और आयोजकों को धन्यवाद देते हुए और मैचा से जरूरी महानुभावों को एक बार प्रणाम करते हुए हमारे वरिष्ठ श्री भैयाजी जोशी ने हम लोगों का इस समरस का महाकुंभ में मार्गदर्शन किया। अब हम इस समरस का महाकुंभ में हम लोगों के बीच में इस महाराष्ट्र सरकार के माननीय नामदार मंत्री श्री गिरिराज महाजन जी, श्री गिरीश महाजन जी, वेद के शिक्षण मंत्री महाराज सरकार वो मंच पर आए और जगतगुरु शंकराचार्य भगवान को प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में ही मध्य प्रदेश से हमारे वहाँ के लोकप्रिय विधायक एवं पूर्व मंत्री दीदी अर्चना जितनी जी वो भी मंच पर
पहुंचे और शंकराचार्य भगवान को प्रणाम करके आशीर्वाद लें। मैं माननीय कालदार श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी खंडवा लोकसभा बरदार संघ मध्य प्रदेश वो भी आए हैं, वो भी मंच पर पहुंचकर आशीर्वाद ग्रहण करें। माननीय आमदार श्री राजीव मामान विधानसभा महासंघ जलगांव वो भी पधारें और जगत गुरु जी से संत महापुरुषों से आशीर्वाद ग्रहण करें। सभी लोग कृतध्वनि के साथ उनका स्वागत करें और उनका अभिवादन करें। एक संकल्प भी दिलाएंगे और अपने विचार भी रखेंगे। पूज्य महामंडलेश्वर श्री जनार्दन हरि जी महाराज। आचार्य श्री रतनदास जी महाराज मंच मान श्री चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। एक संकल्प लेने से पहले मैं कुछ धन्यवाद भी करना चाहूंगा। यहां से कुछ दूरी पर धरणगांव एक शहर है, वहां पर गायरान की जमीन थी और उस गायरान की जमीन पर अनधिकृत एक मस्जिद बनाने की कोशिश हो रही थी। वहां के लोगों ने जो जागृत थे, जो जग रहे थे और जिनको पता था कि जो हो रहा है ये गलत है, उन्होंने जागरूक होकर इसके लिए एक आंदोलन खड़ा किया। वो कोर्ट में गए, प्रशासन को उन्होंने निवेदन किया, प्रशासन ने भी समर्थन दिया और उच्चतम न्यायालय का तो आदेश जारी था। कलेक्टर साहब ने भी कह दिया था ये अनधिकृत है और ये घेरना चाहिए। उसके बावजूद कुछ कारण होंगे जो हम नहीं जानते, जिन्होंने वो रोक रखा था शायद वो जानते हैं, लेकिन वो कार्य हो नहीं रहा था। तो वहां पर धरण गांव में एक मूक मोर्चा का आयोजन किया गया। जब कार्यकर्ता मेरे पास आए, ललित और सभी कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि वहां आंदोलन सब लोग मूक मोर्चा का, मौन मोर्चा का करना चाहते हैं, तो आप उसकी आगेवानी करें, आप उसमें आए। उसने साथ साथ में ये भी कहा कि कई व्यक्तियों को हमने कहा कोई उस मंच पर आकर इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा फिर अगर कोई तैयार नहीं है तो मैं तैयार हूं। मैंने उनकी बात का समर्थन किया। मैंने कहा मैं वो मोर्चा में भी आऊंगा, उसमें भी सम्मिलित रहूंगा, उस सभा को भी मैं संबोधित करूंगा। तो एक बड़ी सभा, बड़ा मोर्चा भी वहां पर निकला, क्योंकि तब भी मैंने कहा था और आज भी वही मेरी मानसिकता है कि एक साधु बनकर, एक संत और एक आजीवन इस भारत माता का सपूत बनकर आजीवन मैं देश और धर्म की सेवा के लिए ही समर्पित हूं और रहूंगा। इन दिनों भी मैंने कहा था कि हम न वोट मांगने आए हैं, हम न सपोर्ट मांगने आए हैं, हम ना नोट मांगने आए हैं,
हम तो बस आप में जो खोट है वो मांगने आए। मुझे वोट की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरा क्षेत्र नहीं है। जो यहाँ पधारे विराजमान हैं, इनके लिए वो वोट आप दे सकते हैं। और नोट की मुझे वैसे भी जरूरत नहीं है, ना तो एक तो हमें उसकी भी जरूरत नहीं है। यह सब अपने आप सब हो रहा है। निर्माण का कार्य हो कि महोत्सव हो, इसमें सबको आश्चर्य होगा, कल भी उल्लेख हुआ था, इसमें एक रुपया भी किसी भगत को भी या किसी को मांगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग एक महीना पहले गायरान की पूरी जमीन खाली होने वाली मस्जिद वहां निकाल दी गई। जिन्होंने पुरुषार्थ किया आगे वाली, मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को मंच पर बुलाता हूँ कि वो आए और सभी पूज्य चरणों का श्री चरणों प्रणाम करें। और इसलिए मैं इनको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, आप भी कोशिश करना, क्षेत्र में भी ऐसा कुछ हो रहा हो, उच्चतम न्यायालय का आदेश है, गायरान की जगह पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता। आप जागरूक होकर उसका निवेदन करें। मैं चाहूंगा आप सभी पूज्य चरणों का प्रणाम करें, सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप जल्द से जल्द आए और सभी श्री चरणों को, मेरा हो गया, और हम दोनों हाथों से कलकल ध्वनि से ताली बजाते हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करें, उनको आशीर्वाद दें। और वहां से सामने से आप उत्तर से जाओ। बहुत बहुत आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जिस तरह से आपने इस काम को किया है, आज इनको अपेक्षा थी सम्मान हो, सम्मान तो एक इनका बाहर, लेकिन जगह आपको था कि अगर कहीं भी इस तरह से गायरान की जमीन पर कार्य हो रहा हो तो वो गाय माता के लिए वो जमीन खुली रहे। दूसरी बात, आपको निवेदन था, यहाँ पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शासन भी उपस्थित है, तो उपस्थित है तो जरूर हमसे निवेदन भी कुछ जाएगा शासन को कि जो गौ माता की हत्या और जिन कतल खानों में गाय माता की हत्या हो रही हो, इसके ऊपर खास करके अपने महाराष्ट्र शासन में कठोर से कठोर कायदा करने की जरूरत है। कुछ दिन पहले यहाँ पर गौ माता को बचाने गए कुछ गौ सेवकों के ऊपर हमला भी हुआ था, और आपकी जानकारी में भी है, हमारे माननीय गिरीश जी महाजन हैं, उपस्थित है, वो उनको मिलने भी गए, तो उनके ऊपर हमला भी हुआ था। तो निवेदन है कि गौ माता की तस्करी भी बंद होनी चाहिए, कठोर से कठोर शासन उसके ऊपर होना चाहिए कि गौ सेवकों को पता चलता है कि गाड़ी जा रही है लेकिन वही गाड़ी खड़ी रहती है, महाराष्ट्र शुरू होता है तो जीजे की गाड़ी हो तो खड़ी की जाती है, गुजराती में बॉर्डर है तो एमएच की गाड़ी खड़ी होती है, मतलब जीजे देखो इसको पकड़ो, एमएच देखो इसे पकड़ो, लेकिन गाय की तस्करी क्यों नहीं पकड़ी जाती। इस महोत्सव में आते समय कईयों ने बोला कि हमारी गाड़ी रोक रहे, मैं बोला जीजे है ना इसलिए रोक रहे, महाराष्ट्र में वो गाड़ी पकड़ी जाती है, वहां छोटी छोटी बातें पता की जाती है, लेकिन जिसमें गाय हो, एक गाड़ी में 70-70 गाय भर जाती हो, 60-60 गाय भर जाती हो, वो कैसे होता है, कैसे वो गाड़ी रस्ते पर चल सकती इतने दिनों तक, गौ सेवकों को पता चलता है प्रशासन को नहीं। तो मैं सभी पूज्य चरणों के माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमें इसने क्या आहार लेना है वो उसकी मर्जी है, लेकिन यह हमने खुद संघ समिति की ओर से निवेदन भी 15 दिन पहले दिया था, किसी भी हालत में गाय की तस्करी और गाय का कत्ल संघ समिति और अखाड़ा परिषद हो या मंच पर विराजमान सभी संप्रदायों के धर्माचार्य कभी भी मान्य नहीं करेंगे गाय की तस्करी और गाय की कत्ल। कहीं भी जो आस्था का केंद्र, श्रद्धा का केंद्र है, उसके ऊपर अत्याचार हो तो बहुत आपसे
विश्वास पूर्वक हमारा निवेदन है, शासन यहाँ उपस्थित है और शायद इसलिए हमने आग्रह भी किया था आपको आना है। और हमारी जानकारी में ये भी है कि आपने आज के दोनों तीनों प्रोग्राम को कैंसिल करके यहाँ आप उपस्थित हो। आपसे जब हमने कहा था तभी आपने बताया था, हमने कहा स्पेशल चार्टर करके आना है, आना आना पड़ेगा, कार्यक्रम आपके विस्तार का है। तो आप आज उपस्थित हो, सभी लोक प्रतिनिधि में हृदय से आपका धन्यवाद भी करता हूँ। एक निवेदन एक करता हुआ फिर हम एक संकल्प करेंगे कि हमारे मुंबई, नासिक, पुणे में, खास करके महाराष्ट्र में जो हमारे सभी कंस्ट्रक्शन लाइन में जो हमारे बिल्डर है जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, नासिक, मुंबई, पुणे, शायद उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ ग्रीष्म भाव वहाँ पर है। और आपकी जानकारी में हमने वो बात दी भी थी और बीच में जो इशू बना था बॉम्बे का उसमें आपका अच्छा साथ सहयोग भी मिला। मैं चाहूँगा कि आप मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी है आप है, आप मिलकर जरूर एक जो हमारी वहाँ की टीम है बॉम्बे, नासिक और पुणे की कंस्ट्रक्शन लाइन में, उनसे आप एक मीटिंग करके उनकी समस्याओं को आप समझे और समस्या का निराकरण करने की कोशिश करें। कुछ असामाजिक तत्वों से वो सब परेशान है और पैसों के लिए उनको फंसाना, कहीं भी अटकाना और पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव करके उनको तकलीफ करने का काम वहाँ पर होता है। तो आप के ऊपर हमारा अधिकार है और आप सुनते हो इसलिए हम सुनाते भी हैं, इसके ऊपर जरूर आप कोशिश करें। और हल निकालने की आपने कोशिश की, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम समरसता महोत्सव, जैसे कल मैंने कहा आए बैठे थे, मंच बढ़िया था, भीड़ बहुत थी, संतों के दर्शन हो गए, भोजन भी बढ़िया थी, बूंदी बहुत थी, मौसम बढ़िया थी, ये तो बात होती रहेगी व्यवस्था और बाकी की। अब अवस्था की भी बात करें, अवस्था के लिए ये महोत्सव है कि यहां से हमें संकल्प करना होगा तब इस मेहनत का कोई नतीजा है और फल है, तो हमें संकल्प करना है। आइए दोनों हाथ जोड़कर हम बैठे और जो संकल्प मैं आपको कराता हूं वो संकल्प आपने भी करना है, मेरे पीछे आप बोलेंगे। अगर ये संकल्प हृदय से होगा ये आचरण में आएगा, हमारे स्वभाव में आएगा, तो इस समरसता महोत्सव का कोई फायदा होगा। अगर आप सोचते हो कि अच्छा आयोजन हुआ तो इस संकल्प को हृदय से आप सुने और संकल्प करें। मैं कहूंगा मेरे पीछे आप सभी बोलेंगे एक सुर में एक आवाज में, मैं आज इस समरसता महाकुंभ के स्वर्णिम अवसर पर उपस्थित सनातन धर्म के सभी संप्रदायों के धर्माचार्य तथा संत महंतों के समक्ष संकल्प करता हूँ कि वैदिक धर्म के सभी जाति समाज संप्रदायों में एकता और समरसता बनाए रखूंगा। सनातन धर्म, संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं का गर्व से पालन करूंगा। मैं माता पिता एवं गुरुजनों का सम्मान करूंगा और प्रत्येक के साथ विनम्र रहूंगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने का हर एक संभव प्रयास करूंगा। मैं सनातन धर्म, समाज और राष्ट्र के
मेरा सुख मानूंगा। वंदे मातरम। भारत माता की, भारत करके प्रधान को प्राप्त हो गए। मैं उनके प्रति अपने भाग्य श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। गौ माता की बात आई, हमारे किसी क्षेत्र के गोचर भूमि को कुछ लोग कब्जा कर रहे थे, उसको छुड़ाया गया। बहुत ही प्रसन्नता की बात। परंतु हम अपने घर पर गायों को रखते थे, हमने क्यों बंद कर? ट्रैक्टर की खेती से सरलता होती है, शीघ्रता होती है, परंतु ट्रैक्टर की खेती से नारायण कैसे उत्पादन हो रहा है? लोग यूरिया से उत्पादन कर रहे हो, यूरिया डाल डाल करके सारे समाज को विष दिया जा रहा है, और गौ माता के द्वारा, गौ पुत्रों के द्वारा अगर खेती होती है तो उससे गोबर पड़ता है, गोमूत्र पड़ता है, उससे उत्पादन बढ़ता है, उससे उत्पादन शक्ति की क्षमता में कभी नहीं आती है। करके देखो भैया, कहने की बात नहीं है। मैंने स्वतः देखा है अपने बचपन में, एक एक किसानों के घर में हजार चारा दो, पिता पूर्वक आपको दूध देंगे, आशीर्वाद देंगे, देते देंगे, कहते हैं कर्म से आयोग उनको समझता से अलग कर लिया जाता है। प्रयास करो भैया, माता सदा देवी नहीं, ये सम्मेलन अपने पास हो रहा है। हम इस होता के भगवान हम बैठे आप सब में काम से करे रहते हैं शक्ति। अगला इस खंड में ध्यान में सुनना ताकि सब 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 सब
प्रदान कर रहे हैं।